अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद है। मैं हूं तारिक। मेरा नाम मुअज्जम है। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं, वीडियो का टाइटल है द बलोचिस्तान क्वेश्चन, श्री बलोचिस्तान इशूज, सैयद मुजम्मल फिशर। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। और भाई, एक और किसी भाई ने जो डुप्लीकेट चैनल बना लिया इसी नाम से, ऐसे चैनल से गुरेज करें, क्योंकि वो भाई सेम वीडियो वही डाल देता है। वो हमारे वीडियो कॉपी करके ये भी बोलने का इधर फायदा कोई नहीं बनता, क्योंकि वो सेम यही वीडियो डालेगा और वो कहेगा किसी ने डुप्लीकेट चैनल बना रहे, आप हमारे चैनल को छोड़ के उसका ना देखना शुरू कर देंगे। पोस्ट डालता रहूंगा ताकि आपको पता चलता रहे कि, क्योंकि आप अगर उसका इंस्टाग्राम ओपन करेंगे तो वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ठीक है भाई, वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू ऑन करते हैं। कौन करते हैं स्टार्ट। जदीद दौर में किसी भी मौजू के ऊपर इंसाइटफुली बात करना या गहराई से तजिया करना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि हर इशू की उम्र होती है 3 से 4 दिन, क्योंकि ट्रेंड चल रहा होता है, उसमें हर कोई कूद जाता है। किसी ने कोई सियासी तारीख पढ़ी है नहीं पढ़ी, या फिर वो पॉलिटिक्स के बारे में वेटरन है या नहीं है, ये उसकी फील्ड है या नहीं है, वो उतने ही वसूख से राय देता है जितना कि कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट या कोई और दे रहा हो। इसी तरह जिस तरह मैं ओपन हार्ट सर्जरी करने चला जाऊँ किसी डॉक्टर की जगह पर, तो 3 से 4 दिन इशू चलता है जिस तरह से कराची के अंदर चला, कि वहाँ पर ब्लास्ट होता है कन्फ्यूशियन इंस्टीट्यूट के बाहर, और वहाँ पर 3 चाइनीज़ प्रोफेसर्स जो टीचर्स थे उनकी जान जाती है, और एक इनोसेंट ड्राइवर उनकी जान भी जाती है। इन चारों इनोसेंट लोगों को मार दिया जाता है, और मारता कौन है, एक खातून जो कि सुसाइड अटैक में अपने आप को उड़ा लेती है, जो कि एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से थी। उसकी पूरी फैमिली जो थी वो बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रही थी सरकार में बलूचिस्तान के अंदर, वो ख़ुद भी एमफिल की तालीम हासिल कर रही थी और अच्छी खासी पढ़ी लिखी खातून थी, और उसके 2 बच्चे भी थे। इस इशू पे 3 दिन बात हुई, और उसके बाद में मस्जिद नबवी के अंदर वाकया हुआ, जहाँ सियासतदानों के खिलाफ नारेबाजी हुई और कौम सब भूल गई और आगे बढ़ गए, और इस इशू के बारे में भी भूल जाएंगे एक आध दिन के बाद, क्योंकि भेड़ चाल यही होती है। तो हमने कहा ज़रा रिवाइव कर लें उसको। बलूचिस्तान के बारे में पाकिस्तान की आवाम की अवेयरनेस कितनी है, ये इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि आपको एक आम बलोच को पुकारना और एड्रेस करना भी नहीं आता। आप बलोची कह के बुलाते हैं उसको, जबकि उसको बलोच कहते हैं, वो बलोची कहने को माइंड करता है, आपको ये तक नहीं पता कि उनको मुखातिब कैसे करना है। नंबर 2, इस वक्त इस वीडियो को स्टॉप करके अपने आसपास कोई भी इंसान है, अगर आपके बलूचिस्तान से बाहर आप रहते हैं, तो उनसे पूछिए बलूचिस्तान के सूबे के 5 शहरों के नाम बताए, 99% फेल हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। ये लेवल ऑफ अवेयरनेस है। इस वाक़े के होने के बाद मुझे इतने मैसेज आते हैं कि ये मसला है क्या बलूचिस्तान का, क्यों ये लोग हथियार उठाते हैं, वहाँ चल क्या रहा है, प्लीज़ हमें बताइए। तकलीफ़ होती है सुनकर कि एक पूरे पाकिस्तान के सबसे बड़े इन टर्म्स ऑफ लैंड जो सूबा है, उसकी सारी सियासी तारीख से ही आपकी आंखों के आगे पर्दा है कि आप उसको देख सकें, क्योंकि गुफ्तगू करने की परमिशन नहीं है। ये उन मौजूआत में से एक है जिसके बारे में मुझे रोका गया बहुत से लोगों की तरफ से, दोस्तों, सहाफ़ियों और लोग भी हों, कि इस पर बात करने का मतलब है अपने डेथ वारंट पर साइन करना। लेकिन क्या करें, एक कॉन्शियस भी तो अंदर मौजूद है ना, जो मजबूर करती है इंसान को। तो बात ये करनी है कि इस इशू पर तो हम जाएँगे, लेकिन इस पर 2 रिएक्शन आते हैं हमेशा से। एक ये आता है कि इस तरह का वाकया रोनुमा हुआ है कि किसी ने अपने आप को उड़ा लिया है, इनोसेंट लोग मरे हैं, उसकी मजम्मत करनी चाहिए, मैं मजम्मत करता हूँ उसकी, और मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल ना हक है कि एक ऐसे लोग जो तालीम देने के लिए यहाँ पर आए थे, उनको एक सियासी जंग का निशाना बना दिया जाए। तो उसकी मजम्मत बिल्कुल करनी चाहिए, वो इनोसेंट थे, कोई कसूर नहीं था उन चाइनीज़ टीचर्स का, ना वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर्स हैं, ना ही वो किसी फ्रंट लाइन पैरामिलिट्री फोर्स के मेम्बर हैं जिनके खिलाफ आप अटैक करेंगे। लेकिन रिएक्शन ये आता है कि आप सिर्फ इसकी मजम्मत करके सो जाते हैं और सियासी तारीख नहीं पढ़ते, और किसने हथियार उठाने की नहज पर पहुंचाया उसकी बात नहीं करते, क्योंकि उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है। नंबर 2, दूसरा रिएक्शन ये होता है कि ये सारे के सारे बैरूनी एजेंट हैं, बाहर से पैसे लेके खाते हैं और अलहदगी चाहते हैं, और इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है। इन सबको क्रश कर दो, बलूचिस्तान ठीक हो जाएगा। दोनों ओपिनियंस के मैं खिलाफ हूँ। आज हमने दरमियान की बात करनी है। तो वो बात इस तरह से है कि सियासी तारीख में जाना पड़ेगा, और फिर इस मौजू के ऊपर आते हैं कि ये होता क्यों है। तारीख ये कहती है कि 5 ऑपरेशंस हो चुके हैं बलूचिस्तान में, इस वक्त 5वां ऑपरेशन चल रहा है। पहला ऑपरेशन 1948 में स्टार्ट हो गया, जब जनाह साहब के ऑर्डर के ऊपर फोर्सेस मूव की और वहाँ जाके उन्होंने रेबल फोर्सेस को क्रश करना शुरू किया, क्योंकि एक्सेशन इतनी कंसेंट से नहीं हो पा रही थी इसीलिए।
तो एक्सेशन डॉक्यूमेंट पे साइन करवाए गए और उसके बाद से इंसर्जेंसी का आगाज़ होता है। दूसरा ऑपरेशन 1958 में होता है, जब खान ऑफ कल्लात को अरेस्ट कर लेते हैं आप लोग, जिसके बाद से वहाँ पर एक इश्तियाल की लहर बढ़ती है कि हमारे लीडरान को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है इस्लामाबाद की तरफ से। उसके बाद में 1962 में एक और ऑपरेशन होता है, एक साल तक चलता है, और सबसे खूनी ऑपरेशन टू योर सरप्राइज़ किसने किया? भुट्टो साहब ने, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, जो कि एनलाइटेंड वैल्यूज के लिए खड़े हुए थे, जो कि लेफ्ट के सियासतदान माने जाते थे, उन्होंने नेशनल अवामी पार्टी की जो गवर्नमेंट थी बलूचिस्तान के अंदर उसको डिसॉल्व कर दिया, उसकी असम्बली को तोड़ दिया और वहाँ पर ऑपरेशन कॉल कर दिया, जिसके बाद गुरीला वॉर शुरू हो गई और उस गुरीला वॉर के अंदर 33,000 पाकिस्तानी फौजियों की जाने गईं, ठीक है, और 5,500 बलोच फाइटर्स की जाने गईं इस ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो भुट्टो साहब ने कॉल किया। क्योंकि भुट्टो साहब ने बिल्कुल एक फाशिस्ट स्टांस लिया हुआ था कि जो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएगा मार दो, जला दो उसको। उससे पहले आपने वन यूनिट बनाया, आपने बलूचिस्तान की शनाख्त ख़राब करने की कोशिश की, क्योंकि वन यूनिट बनाने से क्या हुआ कि पाकिस्तान के तमाम सूबे एक तरफ आ गए और उनकी जो इनफरादी हैसियत है और इनफरादी रिकग्निशन है वो सारी को मिटा दिया आपने, जिसके बाद से वहाँ पर आवाज़ें उठना शुरू हुई जिसको क्रश करने के लिए भुट्टो साहब ने इस तरह के इकदाम उठाए। और भी मिलिट्री गवर्नमेंट्स ने जब रूल आया उनका और जब डिक्टेटर्स की हुकूमतें आईं, उन्होंने भी यही किया। तो 73 के ऑपरेशन के बाद से 2000 के बाद ऑपरेशन शुरू होता है, जब बुगटी साहब को मुशरफ साहब अपने ताकत के नशे के अंदर चूर होके मरवा देते हैं और पहाड़ों पर जो है ना अटैक्स किए जाते हैं, जिसके बाद उनकी लाश, उसका जो ताबूत है उसको ताले लगाए गए थे, लॉक्ड थी। शायद दुनिया में ऐसी कोई मिसाल ना हो कि लॉक करके एक ताबूत को दफनाया जाए, कोई लाश उठा के ले ना जाए। ये हालात थे, जिसके बाद से 2000 के बाद इंसर्जेंसी का एक दोबारा से फ्रेश वेव उठता है, जिसको क्रश करने के लिए आज तक पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं वो वहाँ पर ऑपरेशन कर रही हैं। और इस साल एज वी स्पीक, एज यू वॉच दिस वीडियो, 17 हमले इस साल हो चुके हैं, जिसमें 51 लोग अपनी जानें दे चुके हैं। 51 पीपल हैव डाइड इन 2022। ये हालात हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के। फिर एक बात ये कि बलूचिस्तान को सूबा बनाने बनाने में भी आपको 23 साल लग गए, क्योंकि 1970 में जाके आप उसको एक प्रोविंस के तौर पे रिकग्नाइज करते हैं, उससे पहले वो भी रिकग्नाइज नहीं कर रहे थे आप लोग। तो 23 साल लगे बलूचिस्तान को एक सूबे की हैसियत हासिल करने में। इसके बाद में रिसोर्सेज के ऊपर आ जाएं कि रिसोर्सेज वहाँ पर कितने बड़े हैं। ये इसी तरह कि जिस ज़मीन के ऊपर मैं बैठा हूँ उसके नीचे सोना, कोयला, तेल, गैस बह रहे हों, वाफिर मकदार में मौजूद हों, और इस ज़मीन से ऊपर मेरे पास खाने को रोटी ना हो, ये प्लाइट है। तो रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो तीन बड़े मंसूबे जो वहाँ पर मौजूद हैं, रेकोडिक, सैंडक और डूदर जो है, इससे पाकिस्तानी हुकूमत ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं। सिर्फ सैंडक मंसूबे से $2 अरब अब तक हुकूमत पाकिस्तान कमा चुकी है। और आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान का जो पैकेज था पीपल्स पार्टी की जानिब से जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसके तहत होना यह था कि सैंडक मंसूबे को बलूचिस्तान को कन्वर्ट किया जाना था, जो आज तक उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। उसके अलावा अगर हम बात करें थर कोल की, तो थर कोल की जो कैपेसिटी है एनर्जी जनरेशन की, वो कुछ लोग कहते हैं कि इतनी ज़्यादा है जितनी मिडल ईस्ट में पूरा तेल पड़ा हुआ है उसके बराबर एनर्जी उससे प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन उसकी नहीं हो पाई। उसके अलावा आप सबके घरों में जो गैस आती है उसको सुई गैस कहते हैं। शायद दुनिया का वाहिद मुल्क हो जहाँ नेचुरल गैस का नाम किसी जगह के नाम से मंसूब है, और सुई जो बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ पर गैस नहीं मिलती। मेरे और आपके घर में, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में, गुजरांवाला में या हैदराबाद में, हर जगह गैस आती है, लेकिन जहाँ से निकल रही है वहाँ के लोगों पर उस गैस का कोई हक नहीं है, वो उसको एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हो गई रिसोर्सेज की बात। अब इस सारे रिसोर्सेज के बाद एक आम बलोच जो है उसको क्या मिल रहा है, ज़रा ये सुन लीजिए और फिर अंदाज़ा लगाइए कि ये जो मूवमेंट्स चलती हैं ये क्यों एक लिहाज से पॉपुलराइज होना शुरू हो जाती हैं एक आम बलोच स्टूडेंट के जहन के अंदर या एक पढ़े लिखे तरबियत याफ्ता नौजवान के जहन के अंदर। तो बात यह है कि सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि बच्चों की जो पैदाइश के वक्त डेथ हो जाती है, वो बलूचिस्तान के अंदर है। बलूचिस्तान वो सूबा है जहाँ पर 85%, इट्स एन अलार्मिंग फिगर, लिसन अगेन, 85% लोगों का एक्सेस नहीं है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को। 85% बलोच लोग साफ़ सुथरा पानी नहीं पी सकते क्योंकि अवेलेबल नहीं है।
सिर्फ 15% लोग बलूचिस्तान में वो पानी पी रहे हैं जो इंसानों को पीना चाहिए, बाकी जो पी रहे हैं वो जानवरों से भी बदतर है। अंदाज़ा लगाइए कि आपने इतनी मैग्निफिसेंट वेल्थ जिस सूबे में मौजूद है वहाँ के आवाम को क्या दिया है। आगे बढ़ें, यूनिसेफ के मुताबिक 60 से 70% 60-70% बलूचिस्तान के जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की जो एज है, जिन बच्चों को स्कूलों में होना चाहिए था, 70% बच्चे गलियों में हैं, स्कूलों में नहीं हैं, सिर्फ 30% तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा 47% बच्चे बलूचिस्तान के अंदर स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, यानी कि उनका जिस्म जो है वो तवानाई हासिल नहीं कर पाता, कद छोटे रह जाते हैं और निशोनुमा नहीं होती जिस्म की क्योंकि खुराक मैसर नहीं है। प्रेगनेंसी में ख़वातीन के पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, एक उबला हुआ अंडा नहीं है जिससे उनकी जो ऑफस्प्रिंग होती है वो मुकम्मल तरीके से जिस्मानी तौर पर हेल्दी हो, ये पॉसिबल नहीं है वहाँ पर। इसके अलावा पाकिस्तान का वो सूबा जहाँ सबसे कम अस्पताल है उसका नाम भी बलूचिस्तान है, सिर्फ 134 हॉस्पिटल्स हैं, ओनली 134। इसके अलावा जो सिविल सर्वेंट्स बलूचिस्तान में मौजूद हैं, सरकारी मुलाजमीन, उनकी अक्सरियत भी बलूचिस्तान के लोगों पर मुश्तमिल नहीं है, वो बाहर से आए हुए लोग हैं जिससे ग्रीवेंस बढ़ती है। और सबसे बड़ा मसला जो बलूचिस्तान का चला आ रहा है वो ये है मिसिंग पर्सन्स का इशू, जो कि बलूचिस्तान की जो तंजीम है VBMP वॉइस ऑफ बलोच मिसिंग पर्सन्स, उनके मुताबिक 6,000 लोग अब भी मिसिंग हैं, कहाँ पर है किसी को मालूम नहीं है, किसी अदालत में उनको पेश नहीं किया जाता, ना उनका ट्रायल करने के लिए किसी कोर्ट से रजू किया जाता है, जबकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जिसको भी आप अरेस्ट करें उससे पहले एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, अदालत में पेश करते हैं कटहरे के अंदर उनको और फिर उनके ट्रायल का आगाज़ होता है। कानूनी नुक्ता नज़र से बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है कि आप किसी को भी इस तरह से गायब नहीं कर सकते विदाउट ड्यू प्रोसेस, जो कि आयन शिकनी भी है। इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि पिछले चंद महीनों में गवादर के अंदर तहरीक चली मौलाना हिदायतुररहमान की क़यादत के अंदर, जो कि ये कह रहे थे कि ट्रॉलर के ज़रिए जो मछली का शिकार करते हैं यहाँ पर वो सब निकाल के ले जाते हैं और आम मछेरा मर जाता है। तो गवादर की तस्वीरें आप और मैं तो देखते हैं जहाँ पर मैग्निफिसेंट स्टेडियम्स बने हुए हैं खूबसूरत किस्म के और बीचेस दिखाए जा रहे हैं, चंद ब्लॉगर्स वहाँ जाके बीच पे नहा रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा कि आम बलोच क्या सोच रहा है इस बारे में, उसकी राय अहम नहीं है, जो हम सोचते हैं वही अहम है सिर्फ। तो ये वो तमाम इशूज़ हैं। अब आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि इतनी वेल्थ एक सूबे के अंदर मौजूद हो, इतने रिसोर्स एक सूबे के अंदर मौजूद हों और वहाँ पर एक आम इंसान की ज़िंदगी के इतने बुरे हालात हों, क्या ये जस्टिफाई करता है? ये इशारा किस जानिब करता है कि क्या हम फेल हुए हैं या बलोच फेल हुआ है? क्या हमने जो है वो उनको मजबूर नहीं किया हथियार उठाने पर? इसका जवाब जो है वो आप लोग खुद तलाश करें। हमेशा से इंसानियत की तारीख में ये होता है कि जहाँ पर डेवलपमेंट कम होती है, इस खत्ते में आप लोग देख लें, वहाँ पर हथियार उठते हैं। आप चाइना का जिनजियांग रीजन देखें, वहाँ पर अलहदगी की तारीख चलती है। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो एटम की तंजीम है वो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर सबसे कम डेवलपमेंट है चीन के अंदर जिनजियांग में। हिंदुस्तान के अंदर आप देख लें कि अगर दिल्ली मुंबई के अंदर कोई कहे कि हमने इन शहरों को हिंदुस्तान से अलग करना है तो कौन सपोर्ट करेगा? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ रहने वाले लोगों के पास गाड़ी है, उनके पास नौकरी है, वो सिनेमा जाके फिल्में भी देखते हैं, उनके बच्चे खुशहाल हैं। इसी तरह लाहौर कराची के अंदर अगर मैं अलहदगी की तंजीम का ऐलान कर दूं आज और कहूं कि मैंने अलहदा करना है लाहौर को, कराची को पाकिस्तान से, तो कौन मेरा साथ देगा? कोई भी नहीं। जितनी मर्जी फंडिंग मुझे मिल जाए मैं किसको कन्विंस कर सकता हूं? अगर यहां पर रहने वाले लोगों के पास राइट्स भी हैं, दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, वो मेरा साथ क्यों देंगे? नहीं दे सकते। साथ सिर्फ उन तंजीमों का दिया जाता है आम आवाम की जानिब से जब वो जो आर्ग्यूमेंट कर रही हों वो लोगों को समझ आ रहा हो, चाहे वो BLA है या कोई और तहरीक है। अगर वो ये कहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज छीन लिए गए तो एक आम बलोच को क्या नज़र आ रहा है? छीन लिए गए। अगर वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ अस्पताल नहीं बनाए गए, सब पैसा निकाल कर ले गए, तो वो नज़र आता है लोगों को और वो उस तरफ चले जाते हैं जो नहीं इख्तियार करना चाहिए। येट अगेन आई एम सेइंग आई डोंट वॉन्ट पीपल टू पिक अप द गन एंड फाइट एंड डाई, लेकिन बात यह है कि अगर रिसोर्सेज कोई प्रोवाइड नहीं करोगे तो खुद इन्वाइट कर रहे हो कि वहाँ पर लोग हथियार उठा लें। अब इसका जवाब क्या मिलता है? इसका जवाब जो पंजाबी फाइड माइंड्स है ना, वो ये देते हैं कि आम सरदार वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होने देते। हमेशा से ये क्लीशेड रिस्पांस हम सुनते आ रहे हैं। तो आम सरदारों के हवाले से आपको बता दूं कि 3 हॉस्टाइल ट्राइब्स रहे हैं जिसमें मरी, बुकटी और मेंगल कबीले हैं, यानी कि
ये तीन कबाइल हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मज़ाहमत की है बलूचिस्तान की तारीख में, जो कभी भी कॉपरेट करने पे ज़्यादा आमादा नहीं रहे, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी सेल्फ रूल होना चाहिए, ऑटोनमस रीजन होना चाहिए। इसके अलावा और भी कबाइल हैं, जैसे जाम्स हैं, जमालीज़ हैं, मक्सीज़ हैं, जहरीज़ हैं, इन सब ने तो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा तावन किया रियासत से, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने अक्सर रियासत के साथ मिलके एक हल निकालने की कोशिश की। इनके हलकों में चले जाएं, वहाँ देखें क्या डेवलपमेंट हुई है, आपको जवाब मिल जाएगा। चाहे वो जमालीस के हलके हों, चाहे वो जाम के हलके हों, चाहे वो मक्सीज के हों, जहरीज के हों, मरीज के हों, बुगटीज के हों, मैंगल्स के हों, किसी के हलकों में कुछ भी नहीं मिला। तो ये कहना कि रियासत से जो लोग कॉपरेट नहीं करते वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो सकती क्योंकि वो स्कूल बनने नहीं देते, अस्पताल बनने नहीं देते, ये झूठ है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इतनी डेवलपमेंट वहाँ पर करते तो ये लोग जो अलहदगी की आवाज़ें उठा रहे हैं ये रेलिवेंट हो जाते, इनकी आवाज़ें कोई ना सुनता, क्योंकि लोग ये देखते कि ग्राउंड पर काम हो रहा है, वहाँ नौकरियाँ प्रोवाइड की जा रही हैं। लेकिन जब बलोच ये मुतालबा करते हैं कि बाहर से जो लोग आकर गवादर में प्रॉपर्टीज़ एक्वायर करते हैं वो पॉपुलेशन के डायनामिक्स को चेंज कर देंगे, क्योंकि बलोचिस्तान की आबादी पाकिस्तान में सबसे कम है, अगर बाहर के सूबों से लोग आके वहाँ पर बैठे उनका नंबर बढ़ गया तो सियासी राय किसकी मानी जाएगी, जो बाहर से आए हैं उनकी मानी जाएगी। तो वो कभी इस बात पे आमादा नहीं हुए कि ये जो इन्फ्लक्स बाकी हिस्सों से आ रहा है इसको रोका जाए, लेकिन हमें समझ नहीं आती ये बात। तो अगर हम वहाँ पर ऑन ग्राउंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करने को तैयार ही नहीं हैं, हम वहाँ पर स्कूल बनाने को तैयार ही नहीं थे, हम अस्पताल बनाने को तैयार ही नहीं थे, हमने आम बलोच को ख्वानदगी नहीं दी, तालीम नहीं दी, सेहत की सहूलियात नहीं दी, हमने रिसोर्सेज तो वहाँ से निकाल लिए लेकिन वहाँ पर अस्पताल नहीं बनाए, और उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ अलहदगी की आवाज़ जो उठ रही है उसको तकवीत नहीं मिलेगी, तो हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। तो एंड पे सोल्यूशन ये है कि जो एक पंजाब का नज़रिया है पाकिस्तान है, उससे हटकर भी पाकिस्तान को देखिए और पाकिस्तान की रियासत को देखिए। हमेशा से हम ये करते हैं कि एक चीज़ का जो रद्द अमल है उस पर गालियाँ देते हैं, उस रद्द अमल पर लोगों की ज़ुबान बंद करते हैं, लेकिन वजूहात की तरफ नहीं आते। हम ये नहीं सोचते कि जब कोई पश्तून अफ़गानिस्तान का नेशनल डे वाले दिन अपनी DP के ऊपर अफ़गानिस्तान का झंडा लगाता है तो वो ट्रेटर और गद्दार नहीं है, उनकी 5000 साल की कॉमन हिस्ट्री है। आपका कंट्री को बने हुए 70 साल हुए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो पश्तून है वो अपनी 5000 साल की रूट्स भूल जाए। ड्यूरन लाइन के उस पार उसकी चाची, मामी और ताई बैठी हो सकती है, रिश्तेदार हैं वहाँ पर, आना जाना है, एक हेरिटेज है, कॉमन कल्चर है, कॉमन ज़ुबान है। आप कैसे कह सकते हैं कि कोई ऐसी बात जो आपके आइडिया ऑफ पाकिस्तान से कोलाइड करे वो सिर्फ़ और सिर्फ गद्दारी है वतन से? सिर्फ ये ठप्पा लगाया आपने, जिसने भी हकूक़ की बात की उस पर यह ठप्पा लगाया। क्यों पंजाबी नेशनलिज्म की तहरीक इतनी मज़बूत नहीं है जितनी पश्तून नेशनलिज्म और बलोच नेशनलिज्म की तहरीक मज़बूत है? क्योंकि पंजाब में राइट्स मिले हुए हैं किसी हद तक बाकी शहरियों की नस्बत। मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब में लोअर क्लासेस के पास राइट्स हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी सूबों की नस्बत यहाँ ज़िंदगी की हिफाजत है, रिसोर्सेज हैं, मीडिया में आवाज़ें हैं, इसीलिए यहाँ जो कौमियत की तहरीकें हैं ये इतना ज़ोर नहीं पकड़ती। क्यों लाहौर की, कराची की, इस्लामाबाद की या किसी और बड़े शहर की अलहदगी की तहरीक मजबूत नहीं हो सकती? कोई बात भी नहीं करता इस बारे में, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ रिसोर्स मौजूद हैं। तो ये कहना कि जिसने भी ऐसी कोई आवाज़ उठाई है वो अज़ल से ही दुश्मन है पाकिस्तान का, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग इश्तियार और जुनून में आके अपने लोगों की हालत देखकर उस तरफ जा सकते हैं, अगर आप चाहेंगे आप उनको रोक सकते हैं। शादाद बलोच की मिसाल हमारे सामने है, जो हामिद मीर के शो पे आके एहसन इकबाल से सवाल करता है कि क्या CPAC से कुछ मिलेगा बलोच अवाम को, और 2 साल के बाद पहाड़ों पे चढ़ जाता है और वहाँ से उसकी लाश उतरती है, जो कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। तो किसने इस नैच पर पहुँचाया पढ़े लिखे नौजवानों को कि वो पहाड़ पर चढ़ें? किसने पहाड़ पर चढ़े हुए लोगों को 60 की दहाई में नीचे उतार के फांसियाँ दीं? इसका जवाब आप दीजिए और सोचिए कि क्या हर वो आवाज़ जो कि अपने हकूक़ का मुतालबा करती है उसको गद्दार कहने से मसला हल हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, उससे मज़ीद इश्तियाल वहाँ पर फैलाएंगे। तो बात यह कि बलूचिस्तान में एक सियासी प्रोसेस शुरू करना होगा। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऐसे रीजन्स हैं साउथ बलूचिस्तान का और जगहों का जहाँ सियासी अमल ही एग्जिस्ट नहीं करता। सियासी प्रोसेस होगा, बल्दियाती नुमाइंदगान होंगे, फिर वो डेवलपमेंट करेंगे वहाँ पर। अगर आप आधे से ज़्यादा बलूचिस्तान को FC के हाथ में रखेंगे तो इसका मतलब यह है कि सियासी प्रोसेस वहाँ पर शुरू नहीं हो सकता, डेवलपमेंट नहीं हो सकती। एक आम बलोच
नौजवान जो है वो अपने हकूक का मुतालबा किससे करे उसको नहीं मालूम। तो अब ये वक्त आ चुका है कि अख्तर मैंगल की तरह के जो लोग हैं जो बात कर रहे हैं कि अभी तक हमारी आवाज़ को सीरियस नहीं ले रही हुकूमत पाकिस्तान, ये वो वक्त है कि जब भांपा जाए कि ये मामला कितना संगीन हो चुका है। अगर ख्वातीन अपने आप को उड़ा रही हैं आकर कराची जैसे शहर के अंदर, लाहौर में कुछ अरसा पहले अटैक हुआ था मॉल रोड के ऊपर, उसमें बहुत से लोगों की जानें गई थी, ये मज़ीद बढ़ सकता है। तमाम बड़े शहरों का अमन एट स्टेक है और चाइना से हमारी पार्टनरशिप और इंटरनेशनल इमेज एट स्टेक है। इस सब को बचाने के लिए आपको इन तमाम नाराज़ आवाज़ों से बात करनी पड़ेगी, उनको हकूक देने पड़ेंगे, उनको बिठा के पूछना पड़ेगा, मदावा करना पड़ेगा उनके दुख का। उनको यूनिवर्सिटियों के कैंपसेस से अगर आप उठा कर ले जाएंगे तो उससे मज़ीद इश्तियाल फैलेगा और रियासत को मज़ीद नुकसान पहुँचेगा। थैंक यू। बड़े बड़े एंकर देखे, बड़े बड़े साफी देखे, लेकिन इस तरह की आवाज आज तक मैंने सुने नहीं सुनी तारा किसी उठाई हो, यकीन भाई। इसको भी दबाने के लिए साफियों ने एंकर ने बहुत ज्यादा कोशिश की, इस पर ना आप अगर आवाज उठाओगे तो आप इस तरह या जिस तरह आपने अपने डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर, मैं तो कहता हूं कसम से ना जुर्रत है सलाम करने भी इतना कर दे जुर्रत को, इसने इतनी हिम्मत कर दी है। ऑथेंटिक और प्रूफ के साथ जो वीडियो है ना, जो कुछ भी नहीं था माहौल, ठीक ओके के बाद है अंदर के स्कूलों की हालत इस तरह की, वहाँ पे उन्होंने जानवर बांधे हुए, अस्पताल उधर है नहीं, 130 अस्पताल, 130 तुम्हारे शहर फैसलाबाद के अंदर ही था, ज्यादा है ये देखो 85% जो है ना बच्चे मर जाते हैं। वो बच्चे की एक वीडियो आई थी ना, जो प्रेग्नेंट औरतें होती है उनको पूरा खाने नहीं मिलता, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, अंदाजा लगाओ क्या किस कदर भूखमरी और गरीबी होगी। पानी पीने की जगह देख लो जानवर भी वहाँ से पी रहे हैं आदमी बंदे लोग भी उधर से, और वहाँ जब वटेरे बड़े लोग हैं जो हुक्मरान हैं या जिनके पास सीटें हैं उनकी अजाशियां देख रहा हूँ, ये भी आपको मानना पड़ेगी कि जो कबायली जो कबीले के सरदार है ना वो भी इनमें बोला भाई उनका रोब दबदबा है, वो गरीबों को पढ़ने भी नहीं देते, ये भी बात सच्चाई है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जिस तरह वो एक गुलामी की जिंदगी बना के बैठे रहते हैं कि वो उनको गुलाम, ये हमारे पार्टी काम करते रहेगा, जब पढ़ लिख गए तो कल हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। गांव में बैठे हैं, गांव के कई लोग ऐसे घटिया सोच रखते हैं जो गरीबों के बच्चों को पढ़ने नहीं देते, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये अगर पढ़ गए तो ये हमारा चारा काम काटेगा, उनको उनके लिए गांव खराब, हमारा काम तो रोज खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा भाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं घटिया सोच वाले जो किसी को ऊपर गरीबों को ऊपर नहीं उठने देते, बिल्कुल। लेकिन भाई गवर्नमेंट का फेलियर पक्का इसमें कि ये हमेशा शॉर्टकट जो वो रास्ता अपनाती रही, लोगों की आवाज दबाती रही बजाय उनके हकूक देने के बजाय उनकी आवाज दबाती रही। भाई तारक भाई जिस तरह उन्होंने जो कहते हैं एंड हो गया, एंड देकर उन्होंने जब हथियार उठाए हुकूमत के खिलाफ थे ना तो उनको दबाने के लिए और आज देख लो कितने हर रोज कितने कितने ऑपरेशन शुरू कर, कितने कितने नुकसान किया वो जो औरत जिसने वो चैलेंज को मारा, लेकिन सोच देखो ना कि पढ़ी लिखी सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं, उसको क्या करेगा, मिसाइल इतने ज्यादा है, गैस है, तेल है, कोयला, सारा कुछ उधर से मिनरल मिलते हैं, बात नहीं आता लेकिन उनको नसीब नहीं वो भी इस्तेमाल कर सकते। अच्छा उनकी गैस जो है ना वो हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उनको नसीब नहीं अभी वो भी इस्तेमाल कर सके। अच्छा ये फेलियर उनका नहीं है, हमारी गवर्नमेंट, हमारा फेलियर है, हम उन्हें कोई हकूक नहीं देते। हमने जो पढ़ा था ना भाई, हमने ये पढ़ा था कि पंजाब जो है ना, हमें जब स्कूल में थे, पंजाब वायद ऐसा सूबा है जो अकेला कंट्री जो अपना खर्चा भी उठाता है, दूसरे तीनों सूबों का खर्चा उठाता है, देख लो किस तरह का हमें चूरन देते हैं। और आज जो देखा है भाई दूसरों का भी हम खा रहे हैं, हम बलोचिस्तान का कितना सब कुछ हम खा रहे हैं, पंजाब वाले खा रहे हैं, और ज्यादातर हुकूमतें जो थी वो पहले नवाज शरीफ पंजाब से थे, कितने साल मेरा भाई सबसे ज्यादा जो हुकूमत बलोचिस्तान को दी गई ना, आप माने या ना माने, सबसे ज्यादा जो विजरा या हजूर या सेनेट बने वो तरीके इंसाफ से बने बलोचिस्तान में, लेकिन उन्होंने भी किया कुछ नहीं,
अच्छा उन्होंने भी किया कुछ जो है सूबा बलोचिस्तान उसके अंदर ज्यादा पार्टी है ना, उनके अंदर ज्यादा पार्टी है बिल्कुल, लेकिन उसमें चेयरमैन डिप्टी स्पीकर और वजीर आला वो सब ज्यादा वो बलोचिस्तान के तरीके साहब में रहे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो बलोचिस्तान के लिए अच्छा हो। जिस तरह दूसरे पार्टी करते उस तरह पीटीआई वालों ने किया भी अपने जेपे भरती और बाकी वहां भाई सारी भक्ति इस तरह का है, मगर मच्छ ना वो खा जाते हैं। देशभक्ति किसी में नहीं है भाई, चाहे बलोचिस्तान का कोई सियासतदान है, चाहे पंजाब का है, चाहे सिंध का जो भी है, उसके पास पैसे आए तो वो उसकी जेब में गए, वो नहीं सोचेगा कि हम कमजोर तो आप ही हैं, वो करेंगे भाई कोई बंदा भी नहीं सोच रहा आप पर खास तौर पर। और जितनी आवाजें हम उठाते हैं, जितनी आवाजें भाई कश्मीर के लिए उठाते हैं, 70, 72, 74 साल से उठाई जा रही है, उनसे हमें मिला जा रहा कुछ नहीं और मिलेगा भी कुछ नहीं, बल्कि जाने गई हमारी कंट्री का इकोनॉमी का नुकसान हुआ है, खर्च होता है हमारी आर्मी के ऊपर, हमारा जो हथियार वगैरह बाहर से खरीदे जाते हैं, जितना कश्मीर के ये कश्मीर की जितनी आवाज उठाई जाती है ना, हमें चाहिए तीनों सूबों को मिल गया मंदों को भी आवाम हुकूमत के सामने आवाज उठाए, बलोचिस्तान जो है ना उनके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए, उनको हकूक मिलने चाहिए, हकूक मिले चाहिए, हमें आवाम को लिखना चाहिए भाई, जितना हम कश्मीर के लिए झंडे लेके निकलते हैं, कश्मीर लेंगे चीर देंगे वो कर देंगे, हमें लॉलीपॉप दिया जाता है, ये कश्मीर के लिए नहीं, ये बलोचिस्तान के लिए होना चाहिए, हमें तो आप पता चला है भाई, हमें तो कश्मीर के बाद सुनाई जाती है, कंट्री में रहकर भी गुलामी की जिंदगी गुजारेंगे तो भाई आवाजें तो उठेंगी। जेरे जमीन मादने आते हैं ना बलोचिस्तान के अंदर, अगर वही इनमें से कोई 10-20% भी उन लोगों के ऊपर लगाए जाए, जो आम जनता जो गरीब है उनके अस्पताल वगैरह बनाए जाए, स्कूल वगैरह का इंतजाम किए जाए, उनके नौकरियां वगैरह, हमारे यहाँ सुनने में पता क्या है तारक भाई, हमारे यहाँ दूसरे सूबों से जाकर लोग उधर नौकरियां करते हैं क्योंकि उनको सस्ती पड़ती है, इधर अगर करें तो वो पैसे ज्यादा देकर रिश्वत फ्री में मिल जाए, अगर यही सहूलत तो उनको दी जाए और मेरिट पर उनको किया जाए तो वो पैर निकलेगा। मैं इधर बैठा हूँ, खाने को अच्छा खाता मिलता है, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है, ऐसी बात ठीक है, तो मैं कभी उठाऊंगा बात के सुबह पंजाब टूट जाए, टूट जाए कश्मीर फैसलाबाद या लाहौर जो इंडिया के कश्मीर की आवाज है, लोग उठाते थे पहले पत्थर मारते थे भाई, उनके लिए कुछ था नहीं, चूड़स के ऊपर सारा उनका निजाम चलता था, खाने पीने की कोई चीज नहीं थी, ऊपर से पाकिस्तान या कोई दूसरी जो ताकतें फंडिंग करती थी वो आवाजें उठती थी, और अब क्यों नहीं होती, यही चीज है, अब वो वहाँ पर भी वही है, फंडिंग भी होती है, ये बात भी सच्चाई अभी भी होती है, लेकिन वो दौर नहीं तारक अब रहा जो पहले था, लेकिन फेलियर गवर्नमेंट का है भाई, आर्मी का फेलियर है, जिन लोगों ने उनको उनके ऊपर जो जल्दी एक्शन लेकर आवाजें दबाई गई, उनको जुल्म किया गया, मारा पीटा गया, बजाय इनके जो जरूरतें थी उनके हकूक थे। तारक भाई 5 ऑपरेशन हो चुके हैं आप बताकर सिर्फ उनकी आवाजों को दबाने के लिए, ये किसी ने सोचा भी वो चाहते क्या या उनकी डिमांड क्या है, उनकी भी हम बुला के बात सुनी है, अगर वो जब 10 रुपए मांग रहे थे उनको 2 दे देते, 5 दे देते, कुछ ना कुछ तो देते रहते। कोयला से कितना बड़ा $2 बिलियन कोयला से कमाई की है पाकिस्तान हुकूमत, एक मनसूबे से सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, अगर उनमें से उनके ऊपर कुछ ही लागत कर देते तो कुछ ही उनके फरूर ज्यादा किधर से आता है, फरूर ज्यादा किधर से आता है, उधर से कोयला किधर से आता है, उधर से पत्थर किधर से आता है, उधर से गैस किधर से आती है, बलोचिस्तान से जो दूसरे सूबों की तरफ ध्यान देती है, एक सेंसिटिव सूबा है, उसके ऊपर ज्यादा बजट लगाना चाहिए, ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, अस्पताल स्कूल कॉलेज रोड और लोगों को रोजगार मिलना चाहिए ताकि जो उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। हमारी तरफ से आवाज क्या उठती है, अगर कुछ हो जाए ना अफरा तफरी या दहशत गर्द हम आगे से कह देते हैं ये इंडिया बना बस है, ये इंडिया कर रहा है, आज हकीकत जाने आज ये पता चला है कि अंदर से आवाजें क्यों उठती है, इंडिया वाले भाई कहते हैं ना आपके अंदर से कुछ मिलता नहीं इसलिए वो आवाजें उठाते हैं, आज पता चला सईद मुजम्मल की वीडियो देख के वाकई हमारे अंदर से खुद आवाज तो फिर बदला होगा, रुक जा ज्यादा नहीं भाई, आज हकीकत मुजम्मल जिस तरह आज जिंदगी हमने देखी है ना जीरा में, इससे तो बेहतर जो हालत है ना बाहर वाली कंट्री के अंदर जानवरों की है बेहतर, बिल्कुल इंसानों जिस उनको अस्पताल वगैरह के अंदर केयर हो रही है, इससे बेहतर तो बैर वाले। चलो भाई मेरा आप लोगों से सवाल यही है, कोई अच्छा सा आइडिया बताएं ताकि हम भी YouTube के ऊपर या Facebook के ऊपर कोई ऐसी मुहिम चलाएं
ताकि उन लोगों के हकूक मिले टूटने के उनके बाद काम भी करना नहीं चाहे बलोचिस्तान हमसे टूटे। हम चाहते हैं कि बलोचिस्तान तरक्की करे और हमारे साथ कंधों के साथ कंधा मिला के भी चले कंट्री और मजबूत हो। तो ठीक है, मिलते नहीं मुझे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह।